वंडरफुल प्रांत लवर कैसे हैं आप सभी। आज हम जा रहे हैं पुष्कर घाटी से होते हुए गवर्नमेंट नर्सरी जो अजमेर और पुष्कर के बीच में पड़ती है। ये मंदिर अभी निकला है, हनुमान जी का मंदिर है। ये हम अब पहुंचने वाले हैं नर्सरी के मेन गेट पर। पंचकुट पौधशाला है, ये गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया में बनी हुई है। ये इसका एंट्रेंस है। एंट्रेंस थोड़ा सा वियर्ड है इसका, बिकॉज सड़क जो है वो बना हुआ नहीं है इसका प्रॉपर तरीके से। बट ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आप भूल जाएंगे जब यहाँ पर बहुत सारे बंदर देखेंगे और बड़े सारे पिकॉक्स यहाँ पर देखेंगे। आपके कानों में जब प्योर नेचर की आवाज़ गूंजेगी तो वाकई आपको मज़ा आ जाएगा। फिर आपको ये रास्ता याद ही रहेगा कि किस रास्ते से होकर गए थे। ये हमारी नर्सरी का जो है गवर्नमेंट पौधशाला का जो है मेन गेट आ चुका है। इन दोनों के बीच में आपको जो है पुष्कर बियर पार्क भी मिलेगा। दोनों के मेन गेट और सेकंड गेट के बीच में पुष्कर बियर पार्क भी है। इसी रास्ते से अगर आप थोड़ा और आगे निकल जाएंगे तो एक प्राचीन सा एक मंदिर इन्होंने बताया था नर्सरी वाले भैया ने कि पुराना एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है। पांचों पांडव वहाँ पूजा वगैरह किया करते थे। कोई गुप्त स्थान वगैरह है उनका प्राचीन बना हुआ। ये मेरी फ़र्स्ट विजिट है नर्सरी पे, मुझे भी नॉलेज नहीं थी इसकी और एक्चुअली हम जा भी नहीं पाए वहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए, बिकॉज टाइम ही नहीं मिला। बहुत टाइम यहाँ पर लग गया सब कुछ देखने करने में। नर्सरी एंट्रेंस पे यहाँ से आप सारा प्लांट्स वगैरह देखना स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी देर आप यहाँ रहेंगे बाय गॉड नेचर के बहुत करीब रहेंगे, बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे। प्लांट्स यहाँ पर गुलाब है, अमरूद है, जामुन है, आपको मिल जाएगा, अर्जुन मिल जाएगा, गुड़हल मिल जाएगा, सहजन है, अमलताश है, हेज प्लांट्स भी हैं। ये क्यारियाँ बनी हुई हैं। वेल मैनेज आप इस नर्सरी को नहीं कह सकते, बट प्लांट क्वालिटी अच्छी है, अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं और सैपलिंग से और कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट किए हुए प्लांट्स यहाँ पर हैं सारे। प्राइस बहुत कम है, 5 रुपीज़, 8 रुपीज़, मैक्सिमम 10 रुपीज़। इससे हायर तो उन्होंने मुझे आज एक्सप्लेन भी नहीं किया, यही रेट था 5 रुपीज़, 8 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। आपको प्लांट्स में अवेलेबल है यहाँ पर। ये जो अब सारे हैं बैम्बू भी हैं यहाँ पर, ये सामने पेड़ दिख रहा है ये बैम्बू के हैं, पर बैम्बू की छोटी पौध जो है वो तैयार यहाँ पर रेडी अभी था ही नहीं। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये भी इंस्पेक्शन करने के कहाँ क्या रखा हुआ है। थोड़ा ये जो क्यारियाँ वगैरह थी इनमें आपको जट्रोपा भी मिल जाएगा, देसी गुलाब मिल जाएगा। दी बेस्ट बात यहाँ की यही है कि जो भी आपके देसी पौधे हैं, देसी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की, ट्रीज़ की, वो सारी आपको यहाँ अवेलेबल हैं। और जो भी हमारे रोड के साइड में बड़े पेड़ लगते हैं उनके भी आपको सब प्लांट्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल, ईजीली अवेलेबल हैं। ये कॉपर पॉट पड़ा हुआ है, इमली है यहाँ पर, कदम है यहाँ पर, ये डॉटर है मेरी जिसने बहुत विज़िट करी, बैगर पूरा नर्सरी इसने विज़िट कर लिया। ये कॉपर पॉट रखा हुआ है यहाँ पे। वन बाय वन नर्सरीज बने हुए हैं, सॉरी पॉन बने हुए हैं जिसके अंदर ये सारे प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत ईजी रहा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि ये शॉपिंग हम क्यों कर रहे हैं और ये वीडियो आज हमने क्यों बनाया और शेयर भी किया है, बिकॉज बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ है छोटा सा जिसके लिए ये शॉपिंग यहाँ से की जा रही है। देखिए अब कहाँ क्या होता है आगे। ये इतनी ज़्यादा थक चुकी है कि इस चेयर पे डट कर बैठ चुकी है, इसे मालूम ही नहीं है कि मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, चुपचाप बहुत ज़्यादा थक गई। नर्सरी काफ़ी बड़ी है, बच्चे वैसे भी इधर से उधर बहुत घूमते हैं। अब देखो ये इन्होंने इस तरीके से प्लांट्स निकाल दिए, हमने गाड़ी में डाल दिए। एक चीज़ यहाँ पर ये है कि सेल्फ सर्विस है प्लांट्स की, आपको पौधे आप पसंद कर लीजिए, उठा के आपको खुद ही अंदर डालने पड़ेंगे। ये लोग आपको सर्विस नहीं करते। आप यहाँ पे अगर आते हैं तो अपने साथ कोई कैरी बैग या फिर कोई जो है पैकेट वगैरह कुछ भी जो अपना साथ में लेके आइए, ताकि प्लांट्स उसमें रखे और उठा के कैरेट वगैरह लेके रहिए, ताकि उठा के आप अपने जो प्लांट्स वगैरह हैं वो अपनी डिक्की में डाल सकें ईजीली। बरगद, बनियान, बनियान ट्री वगैरह भी यहाँ पर है, देसी गुड़हल भी है, कनेर आप देख ही रहे हो, रेड कनेर, वाइट कनेर अवेलेबल था और येल्लो चाइना कनेर अवेलेबल था अभी यहाँ पर। ये जो सारे सैपलिंग्स हैं बहुत इजी गोइंग हैं। आप अभी मौसम मैंने बहुत कह भी रही हूँ कि काफ़ी अच्छा है, तो आप जो है प्लांटिंग के लिए ईजीली इसको ख़रीद सकते हो। यहाँ
यहाँ जितनी देर हम खड़े रहे उतनी देर आप देखिए कोयल की आवाज़ें आ रही हैं, पिकॉक, बहुत पिकॉक है यहाँ पे, बड़े बहुत अमाउंट में है। यहाँ से मैंने शायद ना गूलर उठाया था, गूलर है यहाँ पर, गूलर था, पत्थर चट्टा रखा हुआ है, और जो रोड साइड बड़े बड़े छायादार पेड़ लगते हैं उसके भी छोटे सैपलिंग्स और कटिंग से रेडी हुए प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट थिंग के अगर यहाँ पे दी बेस्ट बात यहाँ की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट नर्सरी है तो आप बल्क में ही लो, आप चाहें तो आप ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ से प्लांट्स जो हैं वो पिक कर सकते हो। ये जो भी आप पेड़ देख रहे हो एकदम लश ग्रीन शाइन मारता हुआ सा, ये हमारा कदम का ट्री है, काफ़ी बड़ा है। कदम की छोटी प्लांटिंग नहीं मिली, उसी के नीचे ये हेज प्लांट रखे हुए हैं जो आप गार्डन्स में और घरों के अंदर जो हमारे गार्डन्स वगैरह होते हैं उसके चारों तरफ बाउंड्री के लिए हेज प्लांट यूज़ होते हैं, ये वो रखे हुए हैं। बारिश की वजह से थोड़ा सा जो इनका एरिया है ये जहाँ पे इन्होंने प्लांटिंग किया हुआ है वहाँ थोड़ा पानी हो गया, थोड़ी सी मैसी है, बट नो डोंट वरी, हमें सिर्फ प्लांट्स पे फोकस करना है बिकॉज प्लांट्स ही हमारी ज़रूरत है फ़िलहाल, तो वही हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। प्लांट्स क्वालिटी अच्छी है, दी बेस्ट है, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि गो ग्रीन और सेव नेचर, प्लांटिंग करिए, बारिश का मौसम है। एक विज़िट और मैं यहाँ पे करूँगी बिकॉज़ मेरे बहुत सारे प्लांट्स अभी रह गए, आज मैंने लमसम जो ख़रीदा उसकी शॉपिंग मैं आपको एंड में दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये कॉपर पॉडी है, ये कॉपर पॉड रखा हुआ है यहाँ पे, ये मुझे इनका जो सेटलमेंट है जो इनकी सेटिंग है वो बहुत अच्छी है। ये ब्लैंक क्यारियाँ हैं, आप देख लो कि मतलब किस तरीके से ये क्यारियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे नर्सरी पे, और फिर उसमें ये अपना जो ये पॉली बैग्स हैं जो भी खाली हो चुके हैं ये पॉली बैग्स रेडी कर करके इसके अंदर रखते हैं। आप ऑर्डर देना चाहें तो 1000 पौधे ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, लेना चाहें तो एक पौधा भी ले सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये जो हमारा है ये मेन गेट आ गया, पंचकुंड पौधशाला जो है, सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक की इसकी टाइमिंग है, और सुपर बात यह है कि ये संडे के दिन भी ओपन रहता है, तो आप संडे के दिन भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं और अपनी प्लांट शॉपिंग को पूरा कर सकते हैं। चलिए घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। ये अभी गाड़ी में से मैंने निकाले नहीं है प्लांट, और ये मेरा एक मैंने ये लिया था मरवा, यहाँ पे मेरा जो है ये 5 तो मेरे हिबिस्कस रखे हैं।